back to my channel. So my name is Tigda Bhatnagar aur agar aap mere channel par hain so please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So this is the second part of Rishikesh vlog. Jo second day tha hamara Rishikesh ka wo sab hai is vlog ke andar. So let's just not waste more time and let's get into the video. सुबह तो हम काफ़ी आराम से उठे थे एंड क्योंकि हम लोग थक भी गए थे. उसके बाद हम लोग गए जानकी झूला पे एंड यहाँ से भी गंगा जी का जो व्यू था वो बहुत सुंदर लग रहा था. इतना बढ़िया कलर लग रहा था एंड हमने यहाँ पे थोड़ा सा बस हमने बेसिकली क्रॉस ही करना था क्योंकि उसके बाद हम जा रहे थे. सो गाइस हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम. जानकी झूला जो है ना उससे आपको राइट लेना है. बस सीधा सीधा स्ट्रेट चलते जाओ. नहीं जा रहे हैं वहीं. सो जानकी झूले के बाद ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है एंड दिस वॉज द एंट्रेंस. एंड यहाँ का जो प्राइस था टिकट का वो था 150 रुपीज़ फॉर एन एडल्ट. एंड आप स्टूडेंट आईडी दिखा सकते हो तो उससे 50% ऑफ था. सो हमने स्टूडेंट आईडी दिखाई एंड वी गॉट इट फॉर 75 रुपीज़. सो दिस इज़ द एंट्रेंस. एंड बेसिकली बीटल्स आश्रम में ना आपको जो पुराना हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह जैसे होते हैं सो वैसे ही ये एक मेडिटेशन सेंटर था, बेसिकली आश्रम था. सो ये महर्षि महेश योगी का मेडिटेशन सेंटर है एंड यहाँ पे 84 चैम्बर्स हैं. यहाँ पे हर में अलग अलग रूम बना हुआ है, वो आपको आगे जाके दिखेगा. सो ये है हॉल एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर ग्राफिटी बनी हुई थी हर वॉल पे बेसिकली. एंड यहाँ पे बहुत बड़ा एक पोस्टर बना हुआ था जो इंग्लिश बैंड था बीटल्स उनका, द बीटल्स. उन्होंने अटेंड करा था महर्षि महेश योगी का एक सेमिनार, मेडिटेशन सेमिनार. जो बैंड था उनका जो इंटरेस्ट था मेडिटेशन की तरफ वो बढ़ता जा रहा था. सो उन्होंने सोचा कि वो मेडिटेशन कोर्स करेंगे महर्षि महेश योगी के आश्रम में एंड उन्होंने यहाँ पे आके ज्वाइन करा था. फिर एंड लेटर ऑन उनका थोड़ा कंट्रोवर्सी, थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया था तो वो लोग चले गए थे. सो ये बात है 1967 एंड 68 की. उसके बाद जो आश्रम था वो आई थिंक बंद हो गया था और ये पब्लिक के लिए 2015 में खुला है एंड तब से इसका नाम चौरसिया कुटिया से बीटल्स आश्रम हो गया है. अभी भी चौरसिया कुटिया इसको बोलते हैं बट बीटल्स आश्रम से ज़्यादा फेमस है. एंड ये सबसे टॉप वाला व्यू था जो बहुत सुंदर लग रहा था एंड लिटरली यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब थी और हर जगह पर से बहुत सुंदर ग्राफिटी बनी हुई थी एंड इट वॉज़ रियली पीसफुल, मतलब मेडिटेशन सेंटर जैसा ही लग रहा था. बट फॉर अ फैक्ट मैं 150 रुपीज़ नहीं पे करना पसंद करूँगी इस जगह के लिए. इट्स लिटिल बिट हाइप्ड प्लेस. गाइस अभी हम वहाँ पे टॉप पे गए थे एंड सो बीटल्स आश्रम हमने ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया था एंड इसके बाद हमारा टाइम है गंगा आरती अटेंड करने का बिकॉज इट वॉज अराउंड 4:30 एंड गंगा आरती 6 o'clock स्टार्ट होती है. सो लेट्स गो टू दिस गंगा आरती. संडे एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी बिकॉज ऑब्वियसली गंगा आरती कौन मिस करना चाहता है. एंड हमने बस वहाँ पे बैठा एंड हमने बहुत पीसफुली गंगा आरती अटेंड करी एंड इट वाज मैजिकल. जो तो
गंगा जी की पूजा करी एंड यहाँ पे हम लोग ये छोड़ रहे थे दिया, बट जो ये यहाँ पे छोटे बच्चे थे वो इसको आगे जाके छोड़ रहे थे बिकॉज साइड में दो तीन बच्चे थे जो उसको बुझा रहे थे डेलिबरेटली. सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे जो उसको ले जाके आगे कर रहे थे एंड सिमिलरली एक बच्चे ने हमारा भी करा. सो आरती के बाद भजन होते हैं एंड लिटरली लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे एंड आई सॉ वन बूढ़ी सी आंटी, वो भी बहुत अच्छे से डांस कर रही थी एंड शी वॉज लिटरली इंजॉइंग. सो गाइस माय ट्रिप एंड होने वाली है, क्या क्या करना पड़ता है. और हम खड़े हैं नेपाली फार्म्स पे, हमारी बस यहाँ आएगी. सो गाइस दिस इज़ द बस फ्रॉम इनसाइड, ऐसा कंपार्टमेंट बने हुए थे एंड दिस इज़ डबल डेकर बस. सो गाइस हम घर पहुँच गए हैं और हम बहुत जल्दी पहुँच गए हैं. That's it for the Rishikesh vlog part 2. I hope you guys enjoyed it because humne to bahut zyada enjoy kara and it was like a fun trip, fun plus adventurous plus all ek baar mein sab cheeze ho gayi thi literally. If you like this video then don't forget to hit the like button and also please do subscribe to my channel and you can also follow me on my Facebook and Instagram handles, the link is in the description box below and I will see you guys super soon with another video. Bye.